हाय मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैंपस आईपीओ के ऊपर तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैंपस एक्टिव है आईपीओ में आपको क्या करना है इसमें आपको अप्लाई करना है या फिर इसमें आपको एवॉइड करना हम इस आई का डिटेल से यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पे हम कैंपस शूज़ की वेबसाइट पे आ गए यहां पे आपको कंपनी डिटेल्स मिल जाएगा देख सकते हैं भी दिया गया मतलब मैन्युफैक्चर करती है चलिए सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के ऊपर बात करना चाहेंगे तो अगर आप इसके ओवरव्यू के ऊपर बात करें तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम कैंपस एक्टिवे लिमिटेड की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है और 2021 में इसने एक माइलस्टोन भी अचीव किया वो माइलस्टोन स्टोन किया है कि ये आपका हाईएस्ट एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स फुटवेयर सेलिंग ब्रांड बन गया है इंडिया का यानी हमारे कंट्री का ये हुआ है दो में इस लिहाज से कैंपस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स फुटवेयर सेल करने वाला ब्रांड बन गया है यही अगर हम इसके कुछ और ओवरव्यू के ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँगा इसका जो मार्केट शेयर था वो 15% परसेंट था कब 2020 में, यानी 2021 में इंक्रीज हो हो कर लिया जबकि यहां पे हमें टफ कंपटीशन देखने को मिला है इंटरनेशनल ब्रांड से भी प्यूमा और एडिडास से भी उसके बावजूद भी इसने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया ये काफी सराहनीय बात है और ये इसके लिए अच्छी बात है वहीं अगर हम इसके कुछ और ओवर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर करती है जस्ट लाइक रनिंग शूज स्पोर्ट्स शूज़ वॉकिंग शूज़ कैजुअल शूज फ्लॉटर्स स्लीपर्स फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स ये सारे डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट कलर में अवेलेबल है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और यही रीजन है जिस कारण से इसका सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करती है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन स्टोर्स भी इसके लगभग हर एक सिटीज़ में अवेलेबल है इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है इसके कारण से ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के थ्रू भी सेल करती है वहीं अब हम इसके डायरेक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर बात करना चाहेंगे स्ट्रेंथ से पहले यहाँ पे हम इस इंडस्ट्री के ऊपर बात करना चाहेंगे फुटवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया इस इंडस्ट्री के ऊपर हम क्यों बात करें क्योंकि अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ आगे हमें दिखेगा तभी ये कंपनी का भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा अगर इंडस्ट्री का ही ग्रोथ नहीं होगा तो कंपनी कितना भी कुछ कर ले ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकता है तो अगर हम यहाँ पे एफ वाई ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव की बात कर ले तो ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है इंडिया का वो आपका ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव सी ए जी आर के साथ ग्रो करता हुआ दिखेगा मतलब ये इंडस्ट्री में भी अगले तीन चार सालों में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर हम यहाँ पे इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो ये आपका ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है पहले नंबर पे कौन है चाइना है जिसका मार्केट शेयर आपका 67 परसेंट और इंडिया का मार्केट शेयर कितना है इंडिया का मार्केट शेयर है जस्ट आपका 13 परसेंट थर्टीन परसेंट तो अभी है लेकिन यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है यानी ये 2025 तक आपका 20 परसेंट या फिर उससे इंक्रीज करता हुआ दिख सकता है इसलिए लिहाज से इंडिया का जो फुटवेयर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बेहतरीन है इस लिहाज से ये कंपनी भी आपको इसी पेज से ग्रो करता हुआ दिख सकता है यानी ये भी आपका ऑलमोस्ट 20% के सी के साथ आने वाले टाइम में ग्रो करता हुआ दिख सकता है चलिए अब हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर बात करते हैं उससे पहले आप आईपीओ ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात कर सकते हैं यहाँ पे टोटल का टोटल क्या है ओ एफ एस यानी ऑफर फॉर सेल रखा गया है और जब भी कोई आईपीओ टोटली ओ एफ एस आता है तो जनरली क्या होता है वो आईपीओ आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलता है क्योंकि लोगों का नेचर होता है कुछ भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम लिमिट तक जाओगे जहाँ तक वो बिक सकता है जिस हाइएस्ट प्राइस पर बिक सकता है वहाँ तक जाके आप बेचोगे तो वही चीज है कि आईपीओ एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टोटल का टोटल हमें ओ एफ एस देखने को मिल रहा है वो हम आगे देखेंगे कि एक्सपेंसिव है या नहीं है अगर हम इसके पॉजिटिव्स के ऊपर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फूड में ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम इन फाइनेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका भी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है और ये अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को काफी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करता है जिसके कारण से ये 2021 में सबसे लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गया था इंडिया का वहीं अगर हम कुछ और इसके स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसका मार्केट से एफ वाई में था फिफ्टीन जो कि इंक्रीज होकर हो गया सेवेंटीन इन एफ 2021 जो कि बहुत अच्छी बात है और यहां पे कुछ और आप इसके स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर सकते हो इसका ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है पैन इंडिया में प्रेजेंस है जहां ये ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए अपना प्रोडक्ट सेल करती है तो यहाँ पे आप जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है वो है इसके निगेटिव्स के ऊपर सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देना है आर क्योंकि इस फील्ड की कंपनी को आर एक सही लेवल पर मेंटेन करना डिफिकल्ट टास्क होता है और इसका आर भी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा हज़ार में आर था थर्टी 2020 में और डिक्रीज किया और घट के हो गया 30.7 परसेंट और 2021 में इसका आर और डिक्रीज हुआ है और घट के रह गया है ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू परसेंट यानी आर ओ सी कंटिन्यूसली डिक्रीज करा है तो इस पर भी आपको नजर बना के रखना पड़ेगा और जो चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपको आईपीओ का सटीक एनालिसिस करना जरूरी है और शुक्र है पेटीएम का जिसके बाद थोड़े से आई इन्वेस्टर्स जागरूक हुए हैं। नहीं तो आंख बंद करके वो सारे आई पी में पैसा लगाए जा रहे थे यहाँ पे आपको ध्यान देना आई को सारा कुछ वैल्यूशन्स को आइडेंटिफाई करना उसके बाद आपको पैसा लगाना इसलिए यहाँ पे हम सब कुछ आपको डिटेल से बता रहे हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है दस से पंद्रह मिनट का टाइम देना पड़ेगा पाँच मिनट में अगर आपको कोई आई एनालिसिस करके बता रहा है तो वो एनालिसिस पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं खुद आप एनालाइज करके देख सकते हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखना पड़ेगा अब यहाँ पे देखिए इस फील्ड में हाई कंपटीशन है और ये हाई कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने में ही नहीं है बल्कि प्राइसिंग को लेके भी है तो उस लिहाज से कंपनी के मार्जिन पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उस पर भी आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा और उसके बाद बात, बात करें तो एज ऑन थर्टी सेप्टेम्बर टू कंपनी के पास टोटल बोरोइंग्स भी था कितना था 191.57 करोड़ इस पर भी आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा क्योंकि आई से कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा तो ये बोरोइंग कम हो रहा है या इनक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उस पर भी आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा कुछ और निगेटिव के ऊपर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइसिंग से भी प्रेशर और कंपटीशन देखने को मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देखना है इसका जो मोस्टली रेवेन्यू है वो सीजनल रेवेन्यू है यानी इसका जो मोस्टली सेल्स आता है वो अगस्त से दिसंबर के मंथ में ही आता है यानी समर सीजन जैसा कि अभी आने वाला है उस टाइम पे इसका मोस्टली सेल्स नहीं आता है तो जब तक इसका सेल्स थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा तब तक इसमें उतना ज़्यादा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हमें नहीं देखने को मिल रहा है चलिए अब हम इसके आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो आईपीओ आपका 26 अप्रैल को ओपन होगा और 28 अप्रैल को क्लोज होगा प्राइस बैंड है आपका 278 से लेकर टू नाइन्टी पर शेयर्स फ्रेश इश्यू नील बटे सन्नाटा कुछ नहीं है टोटल का टोटल ओ है जो कि आपका 1330 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ का आईपीओ साइज रहने वाला है अगर आईपीओ साइज की बात कर ले तो यही आपका आईपीओ साइज है जो कि ओ में डाला गया है अगर हम यहाँ पे कुछ और डिटेल्स के ऊपर बात करें तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 51 वन शेयर्स बाय करना पड़ेगा यानी इसका लॉट साइज है 51 वन शेयर्स फेस वैल्यू रुपीज़ टेन से घटा के रुपीज़ फाइव कर दिया गया यानी यह यहाँ पे भी वैल्यूएशन इसको ज़्यादा डाला गया है रिटेल एलोकेशन की बात करें तो रिटेल एलोकेशन ज़्यादा डाला गया है तो अच्छी बात है अगर पैसा बनता है तो रिटेल को भी यहाँ पे अच्छा खासा पोर्शन मिलने वाला लिस्टिंग एज यूजल बहुत एन और बी एस सी पे होने जा रहा है और यहाँ पे अगर हम इस आई के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा वो है फोर्टीन थाउजेंड एट नाइन्टी टू फोर वन लॉट और यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी से आप थर्टीन लॉट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप वन लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड फाइव नाइन्टी सिक्स रुपीज़ ही अप्लाई कर सकते हैं विटेल कैटेगरी से अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोदा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके सिंपली जीरोदा से भी आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं जो कि काफी क्रूशियल है और वही चीज आपको ध्यान देना है उससे पहले आप इसके टाइमलाइन को भी देख सकते हैं तो यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल्स पे आना चाहेंगे अब देखिए फाइनेंशियल्स आपका एफ वाई और फर्स्ट हाफ ऑफ टू टू है यहाँ पे अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 19 और 20 20 में इनक्रीज हुआ लेकिन एफ 2021 में डिप मारा है लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ एफ आई ट्वेंटी टू के अकॉर्डिंग यहां पे हमें जबरदस्त रिकवरी देखने को मिला और सेम रेट से इंक्रीज रहा है जिसका रेवन्यू आपका लगभग 800 करोड़ से ऊपर का देखने को मिलेगा मतलब यहाँ पे जो रिकवरी है जो बाउंस बैक है वो अच्छा देखने को मिला है टोटल एसेट भी आपका एफ वाई में डिक्रीज किया लेकिन एफ वाई में ये आपका रिकवर अच्छा खासा किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 19 और 2020 में ये जबरदस्त स्पेस से ग्रो किया 2021 में कोरोना कारण से डिक्रीज देखने को मिला लेकिन बाउंस बैक भी शानदार है अगर इसी रेट से चला तो इसका प्रॉफिट आफ्टर आप टैक्स आपका 60 करोड़ से ऊपर ही देखने को मिलेगा और नेट नेट मार्जिन मार्जिन की बात करें तो नेट भी में मारा लेकिन रिकवरी शानदार दिखाया अगर है अगर हम इसके फाइनेंशियल का रिव्यू करें तो इसका रेवेन्यू एफ वाई में डिक्रीज किया एज कंपेयर टू एफ वाई लेकिन रिकवर किया जबरदस्त इन फर्स्ट हाफ ऑफ एफ वाई सेम पैट भी एफ वाई ट्वेंटी वन में डिक्रीज किया लेकिन एफ वाई ट्वेंटी टू में हमें ज़बरदस्त रिकवरी करता हुआ दिखा है तो ओवरऑल आप इसके फाइनेंशियल्स को गुड बोल सकते हो क्योंकि फाइनेंशियल्स घटा जरूर है और उस टाइम पे सबका घटा है लेकिन रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा वही उसके पेस और वही उसके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है और यहाँ पे रिकवरी शो कर रहा है इसके कारण से हम इसके फाइनेंशियल्स को बैड नहीं बोलेंगे इसका फाइनेंशियल्स गुड है फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल्स जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है अब हम इसके के ऊपर बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि वैल्यूएशन इसका कैसा रखा गया है सबसे पहले अगर हम इसके अर्निंग पर प्रोसेस के ऊपर बात कर लें तो अर्निंग पर प्रोसेस बहुत कम है एक से भी कम है जीरो पॉइंट एट एट के करीब है इतना उम्मीद नहीं था हमें लग रहा था कि अर्निंग पर प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा ज्यादा है यहाँ पे पी रेशियो आपको थ्री हंड्रेड से ज़्यादा हो गॉड पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यानी आई पी ओ आपको बहुत महंगा दिख रहा है विटर्न और नेटवर्क की बात करें तो विटर्न और नेटवर्क भी एट पॉइंट सिक्स जीरो करीब है आर ओ सी की बात करें तो आर ओ सी एटीन पॉइंट फाइव फोर के करीब है ई e बीटा की बात करें तो ई बीटा आपका सिक्सटीन पॉइंट एट फोर करीब है डेप टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये आपका जीरो पॉइंट फोर थ्री है यानी ऑलमोस्ट कंपनी आपका डेप फ्री है लेकिन पी जो है वो बहुत हाई रखा गया यानी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर हम कुछ और डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू आपका इसका टेन पॉइंट टू नाइन यानी एन ए वी इसका टेन पॉइंट टू नाइन के करीब है अपर ऑपर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये आता है लगभग आपका थर्टी टाइम्स के करीब जो कि यह भी दिखा रहा है कि आईपीओ आपको एक्सपेंसिव दिख रहा है तो अगर हम इसके वैल्यूएशन के ऊपर बात करें वैल्यशंस को रिव्यू करें तो पी आपका एव एव थ्री हंड्रेड फिफ्टीन है ये पहले ही बता दिया कि आईपीओ आपको ओवर वैल्यू ओवर प्राइस है अपर ओवर प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी आपको लगभग आपका थर्टी टाइम्स के करीब है यह भी आपका बहुत ज़्यादा है ई बहुत कम है वैल्युशन तो बहुत ज़्यादा हाई रखे हो लेकिन ईपीएस इतना कम है ये भी डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है विटर्न नेटवर्क भी बहुत कम है एट पॉइंट सिक्स जीरो करीब है ओवरऑल इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आईपीओ और ओवर वैल्यूड आई ये हमारा कंक्लूजन है बाकी आपके साथ सारा डिटेल्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन खुद से भी निकाल सकते हो तो यहाँ पे हमने इसके वैलुएशन को कंपेयर तो कर लिया और वैल्यशन का रिव्यू भी देख लिया अब हम इसके वैल्युएशन को इसके पीयर्स से कंपेरिजन करते हैं कि उसके कंपेरिजन में इसका वैलुएशन कैसा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर है इंडिया का वो है बाटा लिस्टेड कंपनी है ये हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ रहे हैं और जो भी डेटा यहाँ पे बाटा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल है इसमें हमारा कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे देखिए इसका पी है आपका थ्री के करीब यानी बाटा का भी पी हाई e. रखा गया यानी बाटा के बराबर इसका पी ए e. रखा गया लेकिन ईपीएस की बात करें जो कि मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे दिखा रहा वो है वह आपका 5.41 के करीब यानी ईपीएस यहां पे ज्यादा है जबकि ईपीएस आपका कैंपस का 0.88 के करीब है वैल्युएशन तो आप बाटा वाला रख रहे हो लेकिन ईपीएस बाटा के जैसा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और मार्केट कैप भी बाटा का यहाँ पे उससे ज्यादा है और बाटा का एक ब्रांड भी है लेकिन आप इंडिया में सेल्स भी ज़्यादा कर रहे हो यानी बाटा कंपटीशन में सेल्स भी कैंपस का बहुत ज़्यादा है तो एक रीज़नेबल पी थोड़ा सा लग रहा है लेकिन अगर यहाँ पे ईपीएस हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता तो फिर हम इसको डाइजेस्ट कर लेते लेकिन ओवरऑल उसके बावजूद भी हम बोलेंगे कि आई हमें एक्सपेंसिव लग रहा है अगर हम यहाँ पर इसको रिलैक्सो से कंपेयर करें ये भी आपका कंपिटेटर है और इसका पी देखो इसका पी आपको वन के करीब है यानी विलैक्सो से आप

एक्टिवेयर का जो आई है वो आपका एक्सपेंसिव आई पी है तो अब हम यहाँ पे कैंपस आई के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो अगर आप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो एज ऑन ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आज का अपडेट नहीं आया आज ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल है तो आपको इवनिंग में यहाँ पे डेली जो जीएमपी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा कहाँ पे हमारे वेबसाइट इक्विटी पे कॉम्युनिटी डॉट इन पर हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आप इस सब आईपीओ के बारे में डिटेल्स भी देख सकते हैं और भी आईपीओ आने वाले तो उस सब का भी अपडेट आपको हमारे वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा तो एज ऑन ट्वेंटी अप्रैल इसका जो जी है वो है फिफ्टी पर शेयर्स और 19 अप्रैल को था सिक्सटी रुपीज़ प्रोसेस यानी जीएमपी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज जरूर हुआ है लेकिन अभी भी फिफ्टी रुपीज बना हुआ है और इसका लॉट साइज है आपका 51 का तो टोटल तो प्रॉफिट कितना मिलेगा 51 वन इंटू फिफ्टी यानी आप बोल सकते हैं कि 2500 करीब यहाँ पे आज की के डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख सकता है लेकिन ध्यान रखना है जीएम आगे डिक्रीज भी हो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है ये आपका कोई भी वेरीफाइड एजेंसी के द्वारा डेटा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता ये आपका एक ग्रे मार्केट है जो डब्बा बाजार है वहां से ये डेटा आता है तो ये डेटा उतना वेरीफाइड नहीं है इस पर आप भरोसा मत करो लेकिन सारा कुछ देखते हुए ये आपका एक ओवर वैल्यूड आई आईपीओ है जिसमें हमें लिस्टिंग गेंस के चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं बाकी और भी जो डेटा आएगा आने वाले टाइम में और भी हम अपडेट करेंगे कि आईपीओ कैसा दिख रहा है लेकिन आज की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें थोड़े से लिस्टिंग गेंस के चांस दिख रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना या नहीं करना सो डट्स ऑल फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद